नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना के 101 नए केस आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 2278। देहरादून में 17 और टिहरी में 3 स्वास्थ्य कर्मी मिले कोरोना संक्रमित। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए 6 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, गांव की बुनियादी संरचना का होगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घर पर 1 घंटा योगाभ्यास की अपील। और रविवार को होगा साल का पहला दुर्लभ सूर्य ग्रहण। अंगूठी के आकार का नजर आएगा सूर्य। उत्तराखंड से भी देखा जा सकेगा अंतरिक्ष का ये अद्भुत नजारा। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज दोपहर तक कोरोना के 101 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2278 हो गई है। इनमें से 803 एक्टिव केस हैं, जबकि 1433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अल्मोड़ा की 66 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की आज मौत हो गई है। महिला को 16 जून को यहाँ भर्ती कराया गया था, वो दिल्ली से लौटी थी। इसके साथ ही राज्य में 10,000 से अधिक लोग संस्थागत क्वारंटीन है। राज्य में कोविड केस दोगुने होने की दर करीब 19 दिन है। साथ ही कोरोना की सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। आज मिले पॉजिटिव केस में से 33 देहरादून में, 24 टिहरी में, 12 मरीज उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के हैं। इसके अलावा चमोली में 7, अल्मोड़ा में 6, रुद्रप्रयाग में 4, पौड़ी में 2 और हरिद्वार में 1 संक्रमित मिला है। देहरादून में मिले 33 पॉजिटिव केस में से 17 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो चिंता की बात है। वहीं टिहरी में भी 3 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि गरीब कल्याण योजना विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू की जा रही है। इस योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं 11 मंत्रालयों की है, उनके तालमेल से इसका निश्चित रूप से नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 ऐसे जिले शामिल किए गए हैं, जहां लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को लेकर आज अपना संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस बार इसकी थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अभ्यास के जरिए हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। We are marking the sixth yoga day in extraordinary times. Usually, yoga day is about public events, mass participation. This year, yoga day goes indoors. The theme of the year is yoga at home and yoga with family. Friends, the world is fighting a pandemic of monumental scale, but योगा प्रोवाइड्स मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस टू द मल्टीपल चैलेंजेस COVID-19 हैज ब्रॉट। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि COVID-19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से एक घंटा घर पर योगाभ्यास करने की अपील की है। हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पार्क के भीतर अवैध रूप से रह रहे लोगों को 10 दिन के भीतर हटाकर राज्य सरकार से 1 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार के एक वकील ने अदालत में पार्क के भीतर अवैध निर्माण को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि जंगल की जमीन पर मुनि चिदानंद वर्ष 2006 से भारी निर्माण कार्य करा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुनि चिदानंद के नाम पर वहां कोई भी भूमि रिकॉर्ड पर नहीं है। गांव में 36 परिवार रहते हैं जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें 17 जून को राजाजी पार्क के रामगढ़ रेंज में अवैध निर्माण कार्य रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चमोली के गौचर नगर पालिका के शैल गांव के कुछ युवा चित्रकारी के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन युवाओं की पेंटिंग्स देखकर गौचर नगर पालिका अध्यक्ष ने इन्हें ये जिम्मा सौंपा है। रमन, नरेंद्र, गौरव और राजेश लॉकडाउन के दौरान अपने गांव वापस आए हैं, अब सड़कों पर अपने पेंट ब्रश से चित्रकारी कर रहे हैं और लोगों को जरूरी संदेश दे रहे हैं। गौचर नगर क्षेत्र में हमारी टीम के द्वारा एक रोड पेंट के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया गया। ये सब के लिए सबसे पहले अध्यक्ष जी ने हमें प्रोत्साहित करा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दा नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जागरूकता के लिए हमें पेंटिंग बनाने के लिए कहा, जिसका विषय था कोरोना, तथा हमने इससे संबंधित जो पेंटिंग या रोड पे हमने वॉल राइटिंग की नगर के मुख्य मार्ग पे किया। 2-3 जगहों पे हमने वॉल राइटिंग करके कोरोना से संबंधित मैसेज छोड़े। वहीं गौचर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट कहती हैं कि पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इन्हें निखरने का मौका मिलना चाहिए। लोकल की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यही के कुछ 4-5 युवा लड़कों को चुना, जो कि कहते लॉकडाउन से पहले गौचर से बाहर रहते थे और उसके तहत ही लॉकडाउन के तहत ही अपने नगर क्षेत्र गौचर में आए थे। तो उन्हीं बच्चों को, उन्हीं युवाओं को, वो बेरोजगार भी थे, उसके तहत मैंने एक नई मुहिम चलाई कि जिससे वो रोड पे रोड पेंटिंग भी करें। इससे जन जागरूकता तो होगी, साथ में बच्चों के कहते प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और आगे उनको इसके तहत रोजगार भी संभव हो सके। वहीं कोरोना के समय में गांव की बदली तस्वीर देखकर लोगों को भी अच्छा लग रहा है। राज्य के बहुत से युवाओं ने अपने खेत बंजर छोड़कर शहरों की नौकरी की। उन्हें बंजर खेतों में नेपाली मूल के लोग सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।
टिहरी के भिलंगना विकासखंड के द्वारी गांव में नेपाली मूल के गणेश बहादुर ने बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया है। यहां वे मौसमी सब्जियां उगाते हैं। गणेश कहते हैं कि यहां की जलवायु खेती के लिए बहुत ही अच्छी है। और यहाँ बंजर भूमि थी, हमने इसको क्या बोलते खोद खाद के पेड़ पौधे काट के हमने खेत बनाए हैं। हमारा कमाई थोड़ा बहुत निकल जाता है, इसमें घर से घर का खर्चा खुर्चा चल जाता है और पानी पुनी का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। वहीं टिहरी के प्रगतिशील किसान 81 वर्षीय मंगलानंद डबराल गांव लौटे प्रवासियों से अपील करते हैं कि वे अपने खेत बंजर न छोड़ें। वो कहते हैं कि किसानों की मदद के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर खेती से अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। हमारी एक पीढ़ी रिटर्न आ गई, सारे गांव खाली हो गए हैं, नेपाली बसा दी है। और अभी भी मेरे टाइम पे आ गया कि ये बीमारी से ऐसा हुआ कि सारे लोग घर आ रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हम करेंगे अपने खेतों पे बंजर न छोड़ें, उसे जानवर भी नहीं आएंगे और जब खुद करेंगे ये कोई बीमारी भी अटैक नहीं करेगी हम पर। टिहरी से भी बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है और अपने घर खेत छोड़ दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को खेती से जोड़ने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। दो दो हम बना रहे हैं क्लस्टर और एक क्लस्टर में 10-10, 12-12 ग्राम पंचायत है, तो इनमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि इन्हीं क्लस्टरों में हम समन्वित रूप से जिसको एकीकृत बागवानी विकास योजना के नाम से हम बोलेंगे कार्यक्रम किए जाएंगे। और अभी सरकार ने यह भी मात्राकृत किया है कि उद्यान कृषि और जो लाइवलीहुड से संबंधित विभाग हैं उनको जिला योजना के अंतर्गत अधिक धनराशि मात्राकृत जाएगी। रविवार को इस वर्ष का पहला दुर्लभ सूर्य ग्रहण होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के जरिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं। ग्रहण रविवार सुबह 10:24 से शुरू होगा और 3:30 तक रहेगा। आपको बता दें करीब 25 वर्ष पहले 24 अक्टूबर 1995 को सूर्य ग्रहण में दिन के समय अंधेरा छा गया था। कल भी धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा के आने से कुछ देर के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा। इस दौरान राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। आज रात 10 बजे से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। राज्य में आज भी भारी उमस के बीच कुछ जगहों पर बरसात हुई। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि हालात पर नजर रखें। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 21 जून को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज बारिश हो सकती है। 22 जून से इन जनपदों के साथ देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 21 जून के आसपास ही पहुंचता है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को मानसून से जुड़ी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 101 नए केस आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 2,278। देहरादून में 17 और टिहरी में 3 स्वास्थ्य कर्मी मिले कोरोना संक्रमित। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए 6 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा गाँव की बुनियादी संरचना का होगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस बार की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घर पर 1 घंटा योगाभ्यास की अपील। और रविवार को होगा साल का पहला दुर्लभ सूर्य ग्रहण। अंगूठी के आकार का नजर आएगा सूर्य। उत्तराखंड से भी देखा जा सकेगा अंतरिक्ष का ये अद्भुत नजारा। नमस्कार।